Okay, students, in the last video we have discussed exercise 6, square and square root. Now we are going to start exercise 7, cube and cube. So, what is the mean of cube? Cube means multiply of a number 3 times by itself. Means cube kya hai? Cube of x mark. Agar tujhe x ka cube find karna hai, that means this is, or its name, this. X multiply x. This is the cube of x. Now, हमें इसका क्यूब फाइंड कर लिया, लेकिन क्यूब रूट क्या होगा? क्यूब रूट के रूट्स क्या होंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट. क्यूब और क्यूब रूट की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं वो देखो. अगर आप किसी पॉजिटिव नंबर का क्यूब करते हो, किसी पॉजिटिव नंबर का क्यूब करते हो तो रिजल्ट क्या आएगा? क्यूब आएगा. क्यूब ऑफ ए पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव. तो ऑलवेज क्या होगा? पॉजिटिव. क्यूब ऑफ ए नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज नेगेटिव. एग्जाम्पल देखो इसका. अगर मान लो मैंने 7 का क्यूब किया तो 7 इंटू 7 इंटू 7 हुआ और इसका आंसर क्या था? 3/4. ठीक है. अगर मान लो मैंने -2 क्यूब किया तो इसका मीन्स क्या होगा? -2 इंटू -2 इंटू -2 दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 2 करोगे तो 8, और -(-)-(-) करोगे तो -. ओके. तो कभी भी आप जब नेगेटिव साइन वाले नंबर का क्यूब करते हो तो नेगेटिव आता है, और किसी पॉजिटिव नंबर का क्यूब करते हो तो पॉजिटिव आता है. ठीक है. यूनिट डिजिट ऑफ ए नंबर इज 0, 1, 5, 6, 4, or 9. Then unit digit of cube of the number क्या होगा? नंबर विल 0, 1, 5, 6, 4 and 9 मीन सेम रहता है. ठीक है. एग्जाम्पल देखो इसका. मान लो आपको क्यूब करना है किसका? 10 का क्यूब करना है. तो 10 का क्यूब क्या होगा? 10 इंटू 10 इंटू 10 1000. मान लो आपको 11 का क्यूब करना है तो इसका क्या होगा? 11 इंटू 11 इंटू 11 1, 2, 3, 4. तो यहाँ पर यूनिट डिजिट देखो, जब 0 था तब 0 आया, 1 था तब 1 आया. इसी तरह अगर मान लो आपको 16 का क्यूब करना पड़ा तो 16 का क्यूब क्या होगा? 16 इंटू 16 इंटू 16 और आंसर क्या आ जाएगा? 4096. 16 के क्यूब में क्या आएगा? 4096. तो यहाँ पर जब आप क्यूब करते हो नंबर्स का तो आपको पता चलता है कि वो जो यूनिट डिजिट है
ऑलवेज क्या रहेंगी, सेम रहेंगी, नो विल बी चेंज। लेकिन आगे देखो, इफ यूनिट इज ऑफ नंबर is 2, 3, 7, ठीक है, और क्या, और किसमें चेंज होगी, 0 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 5, 6, 4 याद आ गया, 0, 1, 5, 6, 4 और 9, इनके अलावा क्या बचा, 8, ये हो यूनिट डिजिट ऑफ नंबर इज 2, 3, 7, 8 देन यूनिट डिजिट ऑफ क्यूब इज क्या होगी, 8, 7, 3, 2 रिस्पेक्टिवली। इसका मीन क्या है कि जब यूनिट डिजिट 2 होगा तो यहाँ 8 होगा, जब 3 होगा तो यहाँ 7 होगा, जब 7 होगा तो यहाँ 3 होगा, और ये 8 होगा तो 2 होगा। तो एग्जाम्पल देखो, जैसे आपको दिया 12, तो 12 का क्यूब क्या हो गया, 7, 28। अगर मान लो ये 13 है तो 13 का अगर क्यूब आप फाइंड करोगे तो ये हो जाएगा 2197। इसी तरह रिमेनिंग का फाइंड करके देखना, तो यार 2 था तब 1 आया, 3 था या 7 आया, इसी तरह से रिमेनिंग में भी आया। ओके, सो दिस इज द सम प्रॉपर्टीज। नाउ देखो कुछ और प्रॉपर्टीज की, अगर कोई क्यूब इस तरह से लिखा हुआ है, ए अपॉन बी का होल क्यूब लिखा हुआ है, इसे मैं लिख सकता हूं ए अपॉन बी का क्यूब। एग्जाम्पल 4/5 का क्यूब लिखा हुआ है, इस तरह से बनाऊंगी, इस तरह से 6/2 का क्यूब लिखा हुआ है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 6³/2। आंसर सेम आएगा, अब भी सेम आएगा, अब भी सेम आएगा। देखो 6/2 का क्यूब क्या है, 3, क्या है 3, तो 3 का क्यूब, और 3 का क्यूब क्या होता है 27 होता है। अब यहाँ पर ये 6 का क्यूब क्या हो गया 216, और 2 का क्यूब क्या हो गया 8। अगर मैं इसे डिवाइड करूंगा तो यहां पर क्या जाएगा 2, 7, ठीक है, तो यहां से भी 27 आता है और यहां से भी 27 आता है, तो इनके क्यूब क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो ये एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, नेक्स्ट प्रॉपर्टी में क्या होगा, ओके सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, अगर आपको a इंटू बी की पावर क्यू, मतलब कोई भी n दी हुई है, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, a इंटू की पावर n बी की पावर, जिससे भी आंसर सेम रहता है। किस तरह से देखो, 3 × 2 × n, अगर n, n की मीन्स यहाँ पर कुछ भी है, मान लो क्यूब है, तो यहाँ से 3 × 3 और 2 × 3, इनका मीन्स क्या हो गया 6³, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ 216, और यहाँ ये कितना हो गया 27, और ये कितना हो गया 8। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा, तो देखो दोनों से मैंने इसको भी सॉल्व किया और इसको भी सॉल्व किया, आंसर दोनों तरफ से सेम आ रहा है, तो ये आपको पता चल रहा है कि मैं इसे इस तरह से राइट कर सकता हूँ। तो ये इसकी एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। एक प्रॉपर्टी आप देखो, यहाँ से पैटर्न में प्रॉपर्टीज बताता हूँ मैं आपको, पैटर्न में कुछ प्रॉपर्टीज है इसकी, वो भी देखो। देखिए
sum of odd numbers. Sum of n odd numbers. ठीक है, ऑलवेज गिव्स यू क्यूब. अब देखो किस तरह से वन वन का क्यूब ठीक है, थ्री और फाइव पैटर्न देखो, आपको पैटर्न दिया हुआ है यहां पर थ्री फाइव, तो ये आया एक टू का क्यूब, यहां से भी देखो फाइव से सेवन नाइन जो आ जाएंगे उन्हें लेफ्ट कर दो, सेवन नाइन इलेवन तो ये हो गया ट्वेंटी सेवन. फिर देखो यहां से थर्टीन फिफ्टीन और सेवनटीन सेवनटीन और नाइनटीन, तो यहां से आया थर्टी नहीं ये आ गया थ्री का क्यूब और ये हो गया फोर का क्यूब सिक्सटी ठीक है. तो इसमें नेक्स्ट ऑर्डर में चलते जाते हैं, ये इसका पैटर्न है सम ऑफ एन और नंबर्स को ऐड करने का. जब एक क्यूब देता है तो क्यूब किस तरह से बनते हैं, अगर वन का क्यूब आएगा तो वन, टू के क्यूब में थ्री और फाइव, थ्री के क्यूब में सेवन नाइन इलेवन और फोर के क्यूब में थर्टीन फिफ्टीन सेवनटीन और नाइनटीन इस तरह से ठीक है. तो इस तरह से ये नंबर का ऑर्डर होता है इसमें राइट करने का. एक आपको दिया हुआ है क्या सम ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर्स. देखो एक दिया हुआ है वन का क्यूब प्लस टू का क्यूब, अगर मैं कहूं तो वन प्लस एट इक्वल टू नाइन होता है, जो किसका स्क्वायर होता है थ्री का. मैं यहां से प्रॉपर्टी बना रहा हूं वो क्या कि इन दोनों का सम करूं तो इन दोनों के सम के स्क्वायर वहां पर आ रहा है ठीक है, एन और एन प्लस वन के सम का स्क्वायर वहां आ रहा है ठीक है. अब देखो इसी तरह से टू प्लस थ्री, अगर इनका क्यूब करेंगे हम तो ये क्या हो जाएगा टू का क्यूब हो गया एट और थ्री का हो गया ट्वेंटी सेवन. तो वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस ये हो गया सिक्सटीन, तो ये हो गया क्या सत्ताईस, तो इन सबका स्क्वायर ठीक है. इसी तरह से वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर तो यहां से पता चलता है भैया वन प्लस एट प्लस ट्वेंटी सेवन प्लस सिक्सटी फोर इक्वल टू हंड्रेड और ये बना रहा है क्या टेन का. तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है जिन्हें आपका एजुकेट लर्न करना है ठीक है. ये पैटर्न है इनका फेस एग्जाम में ये पैटर्न पूछा जा सकता है आपसे, तो ये पैटर्न आपको एजुकेट लर्न करना है कि इस तरह से इस पैटर्न को क्या करना है फोल्ड. देखो इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी में नेक्स्ट प्रॉपर्टी में आपको दिया हुआ है क्या डिफरेंस दिया हुआ है. जैसे डिफरेंस में क्या दिया हुआ है टू क्यूब माइनस वन क्यूब दिया हुआ है, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं एट माइनस वन सेवन, तो इसे क्या बना सकता हूं मैं वन प्लस टू इंटू वन इंटू में थ्री ठीक है. आप देखो इसी तरह अगर थ्री क्यूब माइनस टू क्यूब दिया हुआ है ठीक है, तो यहां से क्या बन जाएगा ट्वेंटी सेवन माइनस एट नाइनटीन, तो यहां से वन प्लस टू इंटू थ्री इंटू टू इंटू थ्री ठीक है. इसी तरह अगर आप पहुंचा फोर माइनस थ्री तो सिक्सटी फोर माइनस ट्वेंटी सेवन ये हो जाएगा क्या थर्टी सेवन हो जाएगा,
या 1 प्लस 3 इंटू 4 इंटू 3, ठीक है। इसी तरह सिमिलर वे में आप नेक्स्ट ऑर्डर में कर सकते हो इनका सॉल्यूशन। तो ये सब प्रॉपर्टीज सेम थी। आप देखो क्यूब फाइंड करते हैं, क्यूब रूट, तो क्यूब रूट किससे फाइंड करेंगे हम? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। प्राइम फैक्टराइजेशन और किससे फाइंड कर सकते हो आप? एस्टिमेशन प्रोसेस से। देखो एक डिवीजन प्रोसेस भी होता है, वो आपको अगर दिया नहीं है तो मैं इसलिए बता नहीं रहा, अदरवाइज डिवीजन प्रोसेस भी होता है इसका, ठीक है। तो यहां से मैं आपको पहले प्राइम फैक्टराइजेशन बता देता हूं, जिससे आपने प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड किया। नंबर देखिए अच्छा सा, मान लो आपको दिया 138 24 दिया, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन में हमें क्या फाइंड करना है? क्यूब रूट फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करोगे? टू से डिवाइड करोगे इसके 912, ये टू से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा कितना 3456, ये टू से डिवाइड करोगे तो ये टू से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा कितना 864, ये टू से डिवाइड करोगे तो 4, ये 32, ये टू से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा कितना 260। आप देखो मैं इसे टू से डिवाइड करूंगा तो 128, फिर टू से डिवाइड किया तो यहाँ पर ये क्या आ गया 54, टू से डिवाइड किया 27, फिर थ्री से डिवाइड किया तो 9, फिर से 3 और 3 1। तो इसके फैक्टर्स क्या हुए? टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू। देखो 1, 2 और ये 3, 9 हो गए और 9 के बाद ये 3, ये इसके फैक्टर्स है, ठीक है। तो अब इसमें क्या बनाते हैं? ट्रिप्लेट बनाते हैं। ट्रिप्लेट्स, देखो ट्रिप्लेट मीन्स 3-3 के पेयर, तो ये हो गए 3-3 के पेयर, तो 2, 2 और 2। उसके बाद यहां पर क्या होना है? ये 1-3 का, तो इसका आंसर क्या आ गया? 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24। तो क्यूब रूट ऑफ दिस इज 24, क्योंकि यहाँ पे जो कंप्लीट टेम्पलेट होते हैं वही काउंट किए जाते हैं, जैसे स्क्वायर रूट में पेयर्स काउंट करते हो 2-2 के, इसी तरह यहाँ पर हम ट्रिप्लेट काउंट करते हैं 3-3 में, ओके 3-3 के पेयर्स। तो ये था इसका क्या? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये क्या था? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हम बात किसकी करेंगे? नेक्स्ट एस्टिमेशन प्रोसेस की। तो देखिए क्या था, 1, 3, 8, 2, 4 था, देखिए। अब प्राइम फैक्टराइजेशन में देखना, सॉरी एस्टिमेशन में, एस्टिमेशन प्रोसेस में क्या करते हो आप?
क्रिएट करते हो, मतलब वो यहाँ पर अनुमान लगाते हैं। तो यहाँ पर पहले हम बनाते हैं पेयर, थ्री थ्री के पेयर बनाओ, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में क्या बनाए, ट्रिपलेट बनाए, मेक ट्रिपलेट फ्रॉम राइट हैंड साइड। ठीक है, अगर यहां से आप ट्रिपलेट बनाते हो तो टू ट्रिपलेट बने, एक ये और एक ये, इसका यूनिट डिजिट क्या है, फोर है, ठीक है। यूनिट डिजिट ऑफ सेकेंड ट्रिपलेट इज फोर, सो यूनिट डिजिट ऑफ क्यूब रूट, क्यूब रूट का यूनिट डिजिट भी क्या होगा, हो यूनिट डिजिट ऑफ क्यूब रूट क्या होगा, फोर होगा। अब देखो क्या बचा, थर्टी। फर्स्ट क्यूब रूट और फर्स्ट प्लेट is 0 1 3, which is जो कि दोनों के क्यूब के बीच में है, टू और थ्री के, टू के क्यूब और थ्री के क्यूब, इन दोनों के बीच में है। अगर इन दोनों के बीच में है तो जो स्मॉलर वैल्यू है उसे हम सेलेक्ट करते हैं, सो टेकिंग टू एज डिजिट ऑफ क्यूब, ठीक है। हैंस क्यूब रूट क्या हो जाएगा इसका, क्यूब रूट इज टू, तो फर्स्ट डिजिट हो गई और सेकेंड डिजिट क्या हो गई, फोर, तो क्यूब रूट क्या हो गया, 24। देखो सेम, ओनली हमने थ्री स्टेप में इसे कर लिया। तो ये था एस्टिमेशन प्रोसेस और वो था प्राइम फैक्टराइजेशन प्रोसेस। तो ये इसकी थ्योरी थी। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।